हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे IPL 2024 जो कि अब अपने समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। इस मैच में IPL इतिहास की दो सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग वाली टीम टकराने वाली है। एक तरफ जहां पे RCB है, तो वही दूसरी तरफ हमें CSK देखने को मिलेगी। RCB ने पिछले कुछ मैचों में बेहतरीन कमबैक किया, तो वही CSK का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला हो रहा है। तो बात करते हैं IPL का मैच नंबर 68 जिसमें एक तरफ धोनी की CSK, तो दूसरी साइड हमें विराट कोहली की RCB देखने को मिलेगी। दोनों ही टीम्स के लिए यह मैच करो या मरो वाला होगा, दोनों का यहाँ हर हाल में जीत हासिल करना होगा। तो यह मैच IPL में धोनी वर्सेस कोहली की शायद यह आखिरी मैच टक्कर होगी। यह मैच आपको 18 मई को बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहीं पर डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 32 मैच खेले गए जिसमें से चेन्नई 21 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे बेंगलोर 10 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 53% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर बात करें इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे चिन्नास्वामी के पिच बैटर्स के लिए स्वर्ग जैसा है, यहाँ आउटफील्ड बैटर्स के लिए बेस्ट है। स्क्वायर बाउंड्री छोटी होने के चलते यहाँ पे छक्के खूब लगते हैं, यह एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। टॉस जीतने वाली टीम पहले यहाँ बॉलिंग करना पसंद करेगी। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 41% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 53% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनका स्कोर 169 है, वहीं पर सेकंड इनका स्कोर 149 है। तो दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम बेंगलोर का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम का टूर्नामेंट का फर्स्ट हाफ बहुत ही खराब था। टीम लगातार 6 मैच हार गई थी, उसके बाद टीम ने पिछले 5 मैचों में जीत कर टूर्नामेंट में जबरदस्त कमबैक किया। अब टीम के पास एक चांस है प्लेऑफ में जाने का, यह मैच करो या मरो वाला होगा, यहाँ CSK से हर हाल में जीतना ही होगा। टीम ने अब तक 13 मैच खेले जिसमें से 6 ही मैच में जीत हासिल की, वहीं लास्ट गेम में टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। वहीं बात करेंगे कोहली, जो कि IPL में 800 रन पूरे होने करने महज सिर्फ 76 रन से दूर पे हैं, वह इस मैच में इस रिकॉर्ड को हासिल करना चाहेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले बैटर्स होंगे। ओपनिंग में बात करेंगे जो विराट कोहली और कैप्टन डुप्लेसी अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। कोहली इसमें इस वक्त जो कि 634 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्डर भी पहने हुए हैं। नंबर 4 पर जो कि रजत पटेजा, जो कि लास्ट मैच में 55 रन बनाए थे। इंग्लैंड के बैटर की बात किया जाए तो विल जैक अब टीम के लिए अवेलेबल नहीं है, वो इंग्लैंड वापस जा चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए। ऐसे में टीम मैक्सवेल को लास्ट चांस दे सकते हैं। कैमरॉन ग्रीन जो कि लास्ट गेम में मैन ऑफ द मैच जीता था, रजत पटीदार भी अच्छे फॉर्म में देख रहे हैं, लोअर में दिनेश कार्तिक, महिपाल उमर जो कि बैटिंग कर रहे हैं। बॉलिंग में टीम ने टारगेट सेव किया था और दिल्ली को 140 पे ही ऑल आउट कर दिया था। टीम ने टोटल 7 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किए थे। वहीं पे मोहम्मद सिराज जो कि फॉर्म में आ चुके हैं, स्पिन बॉलिंग में करण शर्मा खेल रहे हैं, यश दयाल जो कि जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, लास्ट गेम में उन्होंने 3 विकेट लिए थे। वहीं पे कैमरॉन ग्रीन जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे स्वप्निल सिंह ने लास्ट गेम में 1 विकेट लिया था। अब बात करते हैं बेंगलोर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि कप्तान डुप्लेसी से विराट कोहली, रजत पटीदार, कैमरॉन ग्रीन है, ग्लेन मैक्सवेल है, दिनेश कार्तिक, स्वप्निल सिंह है, यश दयाल, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज और लॉकी फर्गुसन। अब बात करते हैं इनके इम्पैक्ट पर देखते हैं, जो कि व्यास, विजय कुमार है, सौरभ चौहान है, आकाशदीप है, महिपाल लोमरा, अनुज रावत। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि दिनेश कार्तिक है, विराट कोहली, यश दयाल है। अब अगर बात करते हो दूसरी टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे चेन्नई ने टूर्नामेंट का जबरदस्त आगाज किया, फिर टीम थोड़ा सा ट्रैक से भटक गई चूँकि टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को मिला, तो CSK के लिए टाइटल डिफेंड करना इजी नहीं होगा। अब टीम के लिए प्लेऑफ में जाना थोड़ा मुश्किल जरूर हो गया, यह मैच डू एंड डाई वाला है। टीम अब तक 13 मैच खेले जिसमें से 7 ही मैच में जीत हासिल की, लास्ट गेम में टीम ने राजस्थान को हराया था। टीम के लिए सबसे पॉजिटिव उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जो कि फॉर्म में है, वो गजब की बैटिंग कर रहे हैं। रहाने को लास्ट गेम से ड्रॉप कर दिया गया था, जबकि ऋतुराज बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। वहीं पर ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 2 पे मिडिल ऑर्डर में, जहाँ पे डैरी मिचेल और शिवम दुबे जो कि अटैक करते हैं, लोअर ऑर्डर में धोनी और जडेजा पर मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी है। मोइन अली वापस इंग्लैंड जा चुके हैं, अब वो अवेलेबल नहीं है। वहीं बॉलिंग में बात करेंगे जो कि टीम 5 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई कर रही है, जहाँ पे मिचेल सैंटनर, यहाँ मोइन अली की जगह खेलने को मिल सकता है।
वहीं पे यंग बॉलर सिमरजीत सिंह जो कि लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे, जहां पे तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर भी विकेट ले रहे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं। अब बात करते हैं चेन्नई का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ है, सचिन रविंद्र है, डैरी मिचेल है, शिवम दुबे, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंट है, तुषार देशपांडे, सिमरजीत सिंह है, महेश थिस्ना है, शार्दुल ठाकुर है। वहीं अगर इम्पैक्ट प्लेयर में बात करें जो कि शाकिब रशीद है, समीर रिजवी है, प्रशांत सोलंकी, अजिंक्य रहाणे, मुकेश चौधरी। अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और तुषार देशपांडे। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हो विनर गिर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर बैंगलोर होगा, क्योंकि बैंगलोर की परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली बात किया जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग और बॉलिंग दोनों में देखने को मिला, यहाँ पे चेन्नई को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।